बसमानरिम ऑन डिमांड ऑफ एमन वाली फ्राम एम यू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्सियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू से रिलेटेड है सॉल्व टी प्लस एस प्लस क्यू इज़िकल टू ज़ीरो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पासली डिफरेंशियल इक्वेशन है t प्लस एस प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि t जो होता है वो सेकेंड डेरिवेटिव को डिनोट करता है z का विद रिस्पेक्ट टू y यानी डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर ये है और ऐसे ही s जो होता है वो भी z के सेकेंड डेरिवेटिव को डिनोट करता है x और uh, y के रिस्पेक्ट में और जो क्यूब है वो फर्स्ट डेरीवेटिव को नोट करता है जेड का विद रिस्पेक्ट टू बाई तो इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी अब इसको देखिए किस तरीके से लिखेंगे ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें सेकेंड डेरीवेटिव है ये कि तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगले पेज पर हम इसको देख रहे हैं डेल ओवर डेल वाई और इसे लिख दें डेल जेड ओवर डेल वाई जो सेकंड डेरीवेटिव था वाई के रिस्पेक्ट में इसको इस तरीके से लिख दिया अगला जो टर्म है उसको सेकेंड डेरीवेटिव को ऐसे लिख सकते हैं कि डेल जेड ओवर डेल वाई और इसको जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेकंड डेरीवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इसे ऐसे लिख दिया और लास्ट वाला टर्म एज इट लिखा यानी डेल जेड ओवर डेल वाई इज ईक्ल टू क्यू सॉरी टू ज़ीरो और ये चीज़ जो नज़र आ रही है ब्रेकिट के अंदर वो देखिए एक ही जैसी है और इस चीज़ को हम लोग जानते हैं जैसे कि अभी हमने वैल्यू रखी क्यू की तो सिंस डेल जेड ओवर डेल वाई जो है वो क्यू के इक्वल होता है इसलिए इसको अगर हम क्यू यहाँ पुट कर देंगे थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा और हमें फिर ज़्यादा समझ में आएगा तो ये वैल्यू क्यू के बराबर है तो डेल क्यू ओवर डेल वाई हो जाएगी प्लस डेल ओवर डेल एक्स और ये वैल्यू हो जाएगी क्यू और तो प्लस ये भी क्यू रख देंगे ज़ीरो है अब हम यहाँ पर जो Q है इसको अगर बाहर ले लें और साथ ही साथ इसको हम पहले लिख देते हैं यानी जो X के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन है Q का और प्लस ये y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसेसन है Q का प्लस क्यू इज़ टू ज़ीरो इसके बाद हम Q को कॉमन ले लेंगे और डेल ओवर डेल एक्स बचेगा डेल ओवर डेलेक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑपरेटर बचेगा यहाँ प्लस वन क्यों को हमने बाहर ले लिया ये भी एक डिफरेंसी लिक्शन है हम लोग जानते हैं डेल ओवर डेलेक्स को हम लोग डी से डोनोट करते हैं और डेल ओवर डेल वाई को डी डैश से डोनोट करते हैं तो यहाँ पर एक ये आ गया डिफ्रेंसी लिक्सन ये आ, भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन नॉन होमोजीनियस क्योंकि इसमें एक एक पावर है और यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो ज़ीरो है नॉन होमोजीनियस है और ये फर्स्ट ऑर्डर का uh, है इसकी मैक्सिमम जो डिफ्रेंसीशन हो रहा है वो एक बार डिफ्रेंसीशन हो रहा है और इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन को फाइन करने के लिए इसके दो पार्ट होते है, कि integral, हाँ हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीगल लेकिन आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में ज़ीरो है इसलिए पर्टिकुलर इंटीगल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम फाइंड करेंगे वही इस डिफ्रेंसी लोकेशन का सोल्यूशन होगा और यहाँ पर जो वाई क्यू uh, है वो आ, उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी लेकिन एक्चुअल में हमें क्योंकि वैल्यू नहीं निकालना तो किस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे उसको यहाँ पर देख लेते हैं अगर हमारे पास ये तो एक फैक्टर ऐसे कई फैक्टर होते हैं जैसे कि हम समझने के लिए कई फैक्टर ले लेंगे यानी दो फैक्टर ले लेंगे कि डी एम वन डी डैस माइनस के वन ये ये फैक्टर हो इसी तरीके से यहाँ पर हो d माइनस एम टू डी डैस प्लस माइनस के टू ऐसे कई फैक्टर हों और बराबर इसके ज़ीरो के बराबर हो यानी हम कह सकते हैं कि जिसका इक्वेशन में तो जब एग्जिल इक्वेशन जब जीरो के इस तरीके से होगी तो उसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो है लिखना हो तो आपको क्या करना है जो माइनस uh, में माइनस के बाद जो दिख रहा है आपको कांस्टेंट वो आपको लेना है ई e की पावर में ई e की पावर के वन यहाँ पर लिख दीजिए एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और फिर यहाँ पर कोई भी आर्बिट्री फंक्शन होगा इसे हम फाइव वन कह दें या जो भी आपको अच्छा लगे उसके बाद आपको डी की जगह पर वाई करना है और इसका जो साइन है माइनस की जगह प्लस करना है और एम को ऐसे ही लिख दीजिएगा और लीड दी एस की जगह पर एक्स करना है तो इस फैक्टर करस्पॉन्डिंग करस, जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया अब इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग निकालना है तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से है इसीलिए हमने दोबारा कर दिया ताकि और फैक्टर होंगे यहाँ तो एक ही फैक्टर है तो इतना आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग लेकिन और भी फैक्टर इसके साथ साथ तो फिर क्या करेंगे कि e टू तो पावर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के का कॉम्पिसेंट माइनस के के बाद जो लिखा है के टू और उसमें एक्सपुर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर कोई फंक्शन फाई टू और डी की जगह पर यहाँ पर वाई लिखना होता है माइनस अगर है प्लस कर देंगे प्लस है तो माइनस करेंगे साइन चेंज करना होता है और यहाँ पर लिखेंगे एम टू और डी डेस्क यहाँ पर एक्स कर देंगे इसी तरीके से और फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा तो ये एक्जरी एक्वेशन है इसका इस डिफरेंस एलिकेशन का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइन करने का मैथड है तो हम इससे जब निकालेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो कि हमें सामने नज़र आ रहा है ये तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू हो जाएगी ई टू दी पावर देखिए यहाँ पर इसको एक स्टेप बढ़ा के हम अगर लिख दें इसको इस तरीके से लिख दें जैसे कि ये लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा जा सकता है d माइनस माइनस बन क्योंकि माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा और ये d डैश हो जाएगा और माइनस माइनस का बन इस तरीके से लिख दें क्यों इजिकल टूज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं हमने इसको ऐसे लिखा ब्रैकेट ओपन होकर माइनस माइनस प्लस हो के, के यही आ जाएगा इसको ऐसे लिख दिया लेकिन इससे हमें कंपेयर करने में आसानी रहेगी और इसे लिख देंगे तो माइनस के बाद जो भी है यानी माइनस वन है उसमें एस से मल्टीप्लाई करें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर कोई भी फंक्शन लिख के हम यहाँ पर फाइवन लिख देते हैं वाई ऑफिस के बाद इसका आपको मालूम ही है कि प्लस यहाँ पर जब यहाँ पर चूँकि माइनस है यहाँ तो प्लस सॉरी माइनस है तो आ गया ये अब इसका साइन कुछ मतलब चेंज कर देते माइनस था तो प्लस कर दिया चूँकि हमने इतना बना लिया इसी फार में बना लिया है तो आप प्लस का साइन रखिए और एम एन की वैल्यू अब माइनस वन हो चुकी है तो माइनस वन रखे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यानी वाई माइनस एक्स कर सकते थे यहाँ पर एक्स जैसा है वो लिख दिया बे क्लोज़ हो गया और चूँकि और फैक्टर है नहीं हमारा तो ये वाली टर्म नहीं आएंगे सिर्फ सी एफ का इतना ही पार्ट होगा इसे ठीक करके लिख दें यानी माइनस का एक्स हो जाएगा वाई वन और वाई माइनस का एक्स हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आप पर्टिकुलर इंटीगल और यहाँ पर निकाल लेते हैं हालांकि फार्मलिटी है आपको मालूम ही है कि ये तो ज़ीरो होगा क्योंकि निकालने का मेथड मालूम ही है कि क्या होता है कि जो भी क्यों का कॉपी जो डी का फंक्शन होता है उसको बना पान में करके लिख देंगे आप ना निकालें डायरेक्ट भी इसका कह सकते हैं कि सोल्यूशन और राइट हैंड साइड में जो होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं जीरो पर ऑपरेट होगा ये ऑपरेटर तो वैल्यू ज़ीरो ही आएगी तो हम कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन होगा यानी यह यहाँ पर क्यू का सोल्यूशन है क्यू की वैल्यू मिलेगी जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीगल दोनों को ऐड करके मिलेगा आप डायरेक्ट भी क्यू की वैल्यू इतनी लिख सकते थे ई टू द पावर माइनस एक्स और फाई वन और यहाँ पर है y माइनस एक्स अब क्योंकि जो वैल्यू होती है जो अभी हम लोग डिस्कशन कर भी चुके हैं डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि हमें जेड की वैल्यू को फाइन करना है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है बाकी है हमारे जो थे यानी एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट हैंड साइड में क्या है एक की पावर माइनस एक्स और फाई वन वाई माइनस एक्स है तो अब अगर हम इंटीग्रेट इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो हमें जो जेड की वैल्यू है मिल जाएगी तो लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के सॉरी वाई वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसेशन करेंगे तो यहाँ तो जैड मिल जाएगा और जो कि वाई के लिए एक्स कॉन्सटेंट है ई टी दो माइनस एक्स कॉन्सटेंट है इसे बाहर ले लीजिए और सिर्फ इस फंक्शन का ही हमें इंटीग्रेट करना होगा वाई के रिस्पेक्ट में और फिर उसके बाद एक कॉन्सटेंट ऑफ कॉन्स्टेंट आ जाएगा कॉन्सटेंट जो होगा वो वाई के लिए एक्स कॉन्सटेंट होगा तो यहाँ फंक्शन जो होगा आएगा वो फाई टू एक्स का ही फंक्शन एक्स का फंक्शन होगा जिसे हमने फाई टू मान लिया एडिटरी फंक्शन है आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं अब वैसे तो हमारा यहाँ पर आंसर कहना चाहिए कि आ गया आ चुका है लेकिन अब इसको जैसे कि हमें आंसर सेंड किया गया था उस बेस पर इसको अगर वैसे ही बनाना चाहते हैं वैसे ही निकालना चाहते हैं बस सिस्टम में ये कह सकते हैं इस पूरे को एक नया फंक्शन कुछ और दे देते और हम यहाँ पर सवाल कंप्लीट कर देते अब आंसर जो कि मिलाना है मैच कराना है तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं तो सबसे सब पहला काम तो ये है कि ई की पावर जो माइनस एक्स से प्लस करने के लिए ई की पावर एक्स से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई टू पावर एक्स इंटू जैड टू ये पावर प्लस की ज़ीरो हो जाएगी और ये बचेगा फाइव वन वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ई e की पावर एक्स यहाँ होगा तो प्लस माइनस पावर कैंसिल होकर के ज़ीरो हो जाएगी ई e की पावर है फिर ये फाइव टू इंटू एक्स हो जाएगा अब इसके बाद जो है इसके बाद हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर इसके बाद देखिए कि ये हमको जो मिल गया है और इस टर्म को ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाते हैं इसको तो हमको मिल जाएगा एट द पावर एक्स इंटू जेड और माइनस एट द पावर एक्स इंटू फाई टू फाई टू एक्स और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में यहाँ पर ये आ, मिला है फाई वन और वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई है अभी की पावर एक्स यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है उसको कॉमन दे सकते हैं हम लोग तो ये की पावर एक को कॉमन भी नहीं जा सकता है लेकिन जैसा कि या फिर हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि इसे मिला के यानी एक फंक्शन है ये एक्स का और ये भी एक्स का है तो ये एक्स का टोटल एक दूसरा फंक्शन इसका नाम देंगे जैसा कि हमें प्रूव करना है उस बेस पर हम इसको मतलब जैसा कि हमें आंसर मिलाना वैसा तो हमारे यहाँ पर आंसर कहीं पर भी दे सकते थे छोड़ सकते थे इसको फिर हम कह सकते हैं एक नया फंक्शन है और नया फंक्शन को हम आंसर जैसा लिखा हुआ था जी एक्स जैसा ही हमने इसको लिख लिया है जैसा ऐसे ही दे रखा था और यहाँ पर एक जो फंक्शन आएगा इस फंक्शन का एक नया नाम नहीं यानी ये वाई माइनस एक्स का फंक्शन है इंटीग्रेट किया जा रहा है वाई के रिस्पेक्ट में तो ये वाई माइनस एक्स का ही कोई फंक्शन आएगा और उसे हम एफ वन कह देंगे ये फंक्शन है वाई ये फंक्शन है इसे हम कोई दूसरा फंक्शन यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर एफ वन कह दें और इसको एफ वन अगर नहीं कहा इससे पहले तो ये एफ वन फंक्शन होगा वाई माइनस एक्स का और भी जो कि आंसर जो है बिल्कुल मैच कराना चाहते हैं हम क्योंकि उसमें दे रखा है एक्स माइनस बाई में प्रूव करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन लेने यानी ये एफ़ वन माइनस को छोड़कर यानी एक्स माइनस बाई हो जाएगी माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएंगे इनके तो इसे मिला के माइनस और इस फंक्शन एफ को मिला के एक नया फंक्शन इसका नाम दे देंगे उस नए फंक्शन को हम एफ़ टू नाम दे देते हैं और ये फंक्शन होगा एक्स माइनस वाई का लेफ्ट हैंड साइड में चला ये e की बाबर एक्स जैट माइनस जी एक्स चल रहा है और अगर हम एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाल लें फाइन करें तो इनवर्स में ले जाना पड़ेगा यानी एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी एफ़ टू इनवर्स हो जाएगा एक नया फंक्शन जो कि ऑपरेट होगा ई टू टी बाबर एक्स जैट माइनस जी एक्स पर और इससे एक इस फंक्शन का एक नया फंक्शन का नाम दे सकते हैं इससे अगर हम आ, कह दें फाइव कह दें जैसे कि हमें आंसर लेके आना है तो कह सकते हैं एफ़ टू इन को फाइ कह दें फंक्शन तो ये वैल्यू हो जाएगी z इज दि बाबर एक्स माइनस जी एक्स और ऐसे ही इसी टाइप का आंसर लाना है वैसे तो आप अगर हम आंसर ना देखते तो फिर हम ये लिखते बस यहाँ पर ये कर देते कि ये फाइव वन का जो इंटीग्रेशन हो रहा है आ, वाई माइनस एक्स तो ये इस पूरे को इंटीग्रेट करते हुए एक फ़ंक्शन इसको मान लेते जैसे कि अभी हमने यहाँ पर मान लिया था तो इसे हम इतना लिख देते यानी एफ़ वन वाई माइनस एक्स या एक्स बस इतना ही लिख देते एफ़ वन लगा कि एफ़ लिखते थे और इस वाले को तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया तो आप उसी जैसा अगर लाना चाहते हैं तो इस हमें करना पड़ेगा इससे हमने आंसर मैच भी करा दिया थैंक यू वेरी मच इंडिकेट फॉर दामाना लिस्ट वाहिर